आज से मेरा बर्थडे है, खड़े हो जाओ। देखिए हमने ये ड्रेस पहन ली क्योंकि मुझसे ना एक हाथ से जितना जो बन रहा उतना मैंने किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देव के जन्मदिन की हम तैयारी कर रहे हैं और कैमरे को मैं घूर के इसलिए देख रही थी, कभी कभी क्या होता है मैं कैमरा चालू करके छोड़ देता, मुझे लगता है कि वीडियो बन रही है और फिर बाद में वीडियो बनती ही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे ना कभी शिप को बैलून देना पड़ रहा था, कभी देव को, तो यहाँ पे बस हम बैलून फुलाए जा रहे हैं। और उसका बर्थडे इतना धूमधाम से तो हम नहीं मनाएंगे कि बहुत धूमधाम से मनाएंगे, पर हाँ जैसे भी मनाएंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, मायके ससुराल वालों को मैंने किसी को भी बुलाया नहीं है, जिसको भी किया है ना फोन, मतलब देव ने ही बात की है, मैंने किसी से भी बात नहीं की है कि कोई कि आना कि नहीं आना। और सबको पता ही है वैसे कि आज उसका बर्थडे है, तो जिसको आना होगा वो अपने मन से आ सकते, बाकी मैंने किसी को भी नहीं इन्वाइट किया है। क्योंकि देखिए मुश्किल बहुत ज्यादा अभी मेरे लिए बुरा समय है ना, तो जो लोग आए अपने मन से वो ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे देखिए हस्बैंड वो जो बैलून वगैरह लगा रहे थे और कुछ जो बच्चे आस पड़ोस के आ गए थे, अगर बच्चों को पता चलता है ना कि बर्थडे है तो पहले से ही आ जाते हैं। ऑलरेडी आपको पता है मैं परेशान हूँ, इसलिए मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया था। तो देखिए हम कितनी मेहनत से हमने ये सब कुछ सजाया है, और ये देखिए वो वाला जो है ना उस टाइप का हमको मिला नहीं, मेरी हालत आप देखिए बहुत बेकार है ना, तो ये इस तरीके का है। अच्छा कहते हैं ना जिंदगी चाहे कैसी भी हो पर जिंदगी जीना सिखाई देती है, तो मैं एक हाथ से यहाँ पे देखिए वीडियो बना रहे थे और कुछ बच्चे आके ना ऑलरेडी 7:30 बजे से आके, सॉरी 5-6 बजे से आके बैठ गए थे कि अब उसको जल्दी जन्मदिन मनना है। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर ये लोगों ने सजाया हुआ है और देव के पापा उसको गुस्सा भी कर रहे थे। तो बैलून फुलाए ना, बैलून फुलाने हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे फेफड़े साफ होते हैं। तो कुछ मैंने फुलाए, कुछ छोटे छोटे जो बच्चे आ गए थे उन्होंने फुलाए। यहाँ पे मस्त देव कोई सा तो डांस कर रहा था, वो मुझे नहीं पता कौन सा डांस कर रहा है, पर कोई सा डांस कर रहा था वो, ये देखिए। और उसके डांस भी ना बड़े गजब के डांस होते हैं सच में। अच्छा मैं आप लोगों को ये बता रही, मैंने आप लोगों से बोला था कि हम घर देख रहे हैं, तो इसके इसके पहले ना सुबह आइए, तो अभी मैं आपको 5-6 बजे का वीडियो बता रही हूँ, इसके पहले हम घर देख के आए, तो हमें हमारा बजट का घर कहीं मिल ही नहीं रहा, मतलब कि जहाँ किराया है किराया कम है तो वहाँ साफ सफाई नहीं है, जहाँ किराया ज्यादा ज्यादा है तो वो हमारे बजट में नहीं है। तो अभी देखिए जैसे मुझसे नहाते, मतलब कि आधा हस्बैंड ने नहाया आधा मैंने नहा लिया, वीडियो में व्लॉग में ये सब बताते हुए मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद हेयर वॉश करके, उन्होंने बोला कि आरती मैं शाम को कर दूंगा, क्योंकि ना सुबह फिर एकदम उसका कंछेदन भी होना था और हम नर्मदा जी भी गए थे, इसलिए टाइम नहीं मिला और बहुत दिनों से ऐसे सिर धुल के नहाया भी नहीं था। सो यहाँ पे देखिए आधी तैयारी हो चुकी, आधी तैयारी हम और बताते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। आज से मेरा बर्थडे है, खड़े हो जाओ। देखिए हमने ये ड्रेस पहन ली क्योंकि मुझसे ना एक हाथ से जितना जो बन रहा उतना मैंने किया, और अभी नहाए हैं हम लोग। और हम देखिए हमने आप लोगों को बोला था कि बर्थडे मनाएंगे नहीं मनाएंगे, पर बच्चा है अभी ही यादगार रहेगा है ना, और आज वो 5 साल का हुआ है, तो हम बहुत अच्छे से तो नहीं मना रहे हैं, पर ठीक है जैसे भी बन रहा, जिन हालातों में भी बन रहा है हम मना रहे हैं। और देखिए शिव ने भी नए कपड़े पहने हुए है और जो फ्रॉक पहनी है वो मैंने तो आपको उसका रिव्यू बता ही दिया था, तो वैसे ही पहन ली है, क्या आसानी से पहनते भी बन जाती है। और देव आप भी आओ उधर, ये देखो इसकी ड्रेस ये है और ये स्लीपर्स मैंने कुछ दिनों पहले लेके आई थी और ये ड्रेस मिलाई थी। अभी आपको बताओ कान का दर्द कैसा है? अच्छा दर्द है, इसको अच्छा लग रहा है। चलिए तो आप लोग भी बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, हम जल्दी मिलते हैं जब हमारा केक कट होगा। तो ना मैं बढ़िया से शाम को नहा लिया था, ये देखिए, मतलब मेरे हस्बैंड ने ही हम सबको शाम को हस्बैंड ने ही नहलाया है। तो आज मैंने हेयर वॉश बहुत दिनों बाद किया है, तो मैंने कहा आप मुझे शाम को नहला दीजिएगा।
मतलब ऐसे अकेले तो नहा लेती हूँ एक हाथ से, पर कपड़े चेंज करने में और थोड़ा हेयर वॉश करने में ही दिक्कत जाती है। तो ऊपर से ना गाने चल रहे थे इसलिए मैं ऐसे बात कर रही हूँ। और आधा से अधिक ना आप हस्बैंड के वीडियो में देखना, उन्होंने मुझे तैयार किया है, मतलब इयररिंग्स पहनाई, एक कान में तो मैंने इयररिंग्स पहन लिए पर दूसरे कान में उन्होंने इयररिंग्स पहनाई है। अब वो वीडियो पता नहीं कब तक डालेंगे कब तक नहीं डालेंगे। तो फिर भी ना मैं एक हाथ से कुछ कुछ करने की कोशिश कर रही थी, बट हाँ केक नहीं निकाला जा रहा था। मैंने सोचा था कि अपना हाथ नहीं लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, फिर उसके बाद देखिए बच्चे बहुत सारे थे तो कुछ बच्चों ने भी हेल्प की। तो एक बच्चा वीडियो शूट कर रहा है, आप उसकी खुद की ब्लॉगिंग सुन लीजिए ना। है ना देव आप तो ब्रो क्या निकाल दे क्या भी नहीं निकाल दे सजावट कर दे हां निकाल कर बोलो और क्या खाली भी आओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ हेलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं देव का बर्थडे है, यहाँ पे किस यहाँ पे एवेंजर से खेल रहा है। नहीं बनेगा मेरे से। देखिए यहाँ पे केक कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। और यहाँ पे बहुत जोर से कटिंग कर रहे हैं और देव यहाँ पे एवेंजर के खेल रहे हैं। हाँ बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हो आप। यहाँ पे केक निकल गया सबको दिखाते ही जाओ। और ये यहाँ पे दूसरे दिखा केक पकड़ा हुआ मैं सब लोग रखेंगे। हाँ तो अब देव को बहुत जल्दी हो रही है एवेंजर लगाने में, पता नहीं कि उसका ही बर्थडे है वो इतनी जल्दी कर रहे हैं। अरे यार आप छोड़ दो आप से नहीं पाएंगे आप अभी छोटे हो छोटे हो ना थोड़ा बड़े तो हो जाओ। अरे ऐसे नहीं लगाते ऐसे छोड़ो ऐसे नहीं करते सामने। अरे देव 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 चलो और क्या बचा ले कहाँ चली गई। हाँ तो यहाँ पे एवेंजर भी लग गए। फोटो खींच लो वीडियो बना लो। हैप्पी बर्थडे खत्म से तो वैसे ना बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए पर मैंने किसी से भी बात नहीं की है, ना ही मतलब कि ऐसे बात की, पर आप समझ रहे हैं ना जब मुझे जरूरत थी तो कोई नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट है। ये देखिए ये बच्चे लोगों को हमने नाश्ता दे दिया, नाश्ता बस यही है ना कि जल्दी से फिर प्लेट लगाना था फिर लोगों को देना भी था इसलिए फिर नहीं हो पाया। तो बिस्किट थी नमकीन थी मिठाई थी और वही केक था। तो चलिए अब बर्थडे तो हो गया उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो जन्मदिन यहाँ पे हो चुका है, मैंने बच्चे को सुलाया, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। खाना बनाते बनाते मतलब काम करते करते 11 बजे, क्योंकि अकेले हाथ से करना था ना इसलिए मैं जन्मदिन वैसे नहीं मना रही थी, पर बार बार देव बोला था नहीं मम्मी जन्मदिन मेरा मनाना, केक काटना, ये करना वो करना, इसलिए देखिए सिंपल तरीके से ही हमने बनाया, कोई तामझाम नहीं, बाहर भी इसलिए नहीं किया बहुत ज़्यादा फैला रहा फैलता है। तो अभी हम आप लोग को केक दिखाएंगे तो आप लोग भी आ जाइएगा केक खा लीजिएगा ना। और मैं बताऊँ कुछ भी चीज़ें ना ऐसी ही फैली है, मतलब बच्चों को खाना पीना खिला की अनबॉक्सिंग करते और आपने पहले ही गिफ्ट खोल लिए यार, ऐसा थोड़ी होता है। चलो डेरी मिल्क का ये सेलिब्रेशन मिला है गिफ्ट में, ये देखिए ये जमा था उसको तो ऊपर नीचे हो गया था
और देखिए और गिफ्ट में क्या मिला है, तो टिफिन बॉटल ये भी पैकिंग करके किसी बच्चे ने लाया था, हम नहीं ले रहे थे उनसे, तो जबरदस्ती रख के गए हैं ये सब कुछ। तो ये टिफिन मिला है एक, और देखिए क्ले मिला, तो सुदेव ने देखी, मैंने सोचा था अच्छे से अनबॉक्सिंग करके आप सबको बताएंगे कि क्ले में और कोई टॉयस भी लगे थे, तो ये भी इसने जो है कि वो तोड़ लिया। क्यों ऐसे कर लिए बाबू? सरप्राइज। तो ये है देखिए, ये डेयरी मिल्क है इतनी सारी एक। तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे आते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर लेकर आए हैं, आते ही है। और मैंने मना किया था कि मत लेकर आओ इतना कुछ और नहीं चाहिए ऐसा करके, फिर भी वो ना हमारे घर रख गए। कोई बात नहीं, जब उनका बर्थडे होगा, जब देव जाएगा, तो वो भी उनको भी गिफ्ट दे देगा। तो हमारा आज का यही छोटा सा ब्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो, किसी को बुरा लगा हो, तो वो मुझे भी माफ़ करिएगा। और पूरा देखिए घर अभी ऐसा ही फैला था, क्योंकि जो बच्चे वगैरह भी आए थे, तो मैंने कहा कि वो बैठे रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देव को भी अच्छा लगेगा, तो ये बस हमारी चाय पी जाए, चाय बना के पी ले, उसके बाद फिर हम आगे जो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए तो इतना ही था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लॉग जो है वो लंबा हो रहा है। और ये देखिए बर्तन भी ना अभी ऐसे ही डले थे, तो वही मैं आप लोगों को घर के लिए बता रही हूँ कि घर ना हमने दो तीन ही जगह देखे हैं, होगा तो मैं भी वो वीडियो शेयर करूँगी, बनाया है, पर मेरा मन नहीं था कि वो आप लोगों को घर दिखाऊँ ना दिखाऊँ, है ना, क्योंकि बस ऐसे ही कि मन नहीं हो रहा था। और देव देखो सुबह से उसको गिफ्ट का इतना पड़ा था कि बस वो गिफ्ट ही गिफ्ट देख रहा था।